जिनको वीटो पावर दिया जाता है उनको यूएनओ के कुल खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा उठाना पड़ता है, बहुत बड़ा हिस्सा यूएनओ के कुल खर्च का उठाना पड़ता है। भारत अभी भी यूएनओ के टोटल खर्च का महज 1.5 से 2% खर्चा उठाता है। जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत को वीटो पावर दिया जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा था कि आपको इसके कुल खर्च का 7% उठाना पड़ेगा, 7% से भी ज़्यादा उठाना पड़ेगा, लगभग उसी के रेट में था ये परसेंटेज। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू और हमारी देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर थी कि हम लोग के पास उतना पावर ही नहीं था कि वो खर्च उठा सके। क्योंकि बताइए, जो देश अपनी सेना पर अपनी टोटल GDP का 7% नहीं खर्चा करता है, जो देश आज भी हम लोग की पूरी शिक्षा का 2% भी मतलब 7% GDP का टोटल 7% हिस्सा हमारे यहाँ आज भी शिक्षा पे खर्च नहीं होता है, तो उस वक्त में हम कहाँ से दे पाते। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि भैया इतना तो हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन बेहतरीन ये रहेगा कि हम अपने किसी अच्छे पड़ोसी को दे सके और वो एशिया में रह जाए। रूस के पास ऑलरेडी था, तो जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त दिमाग क्या लगाया कि हम किसको दे दें। तो भैया अरब देश वालों को देते तो ये सोच रहे पाकिस्तान के फेवर में चले जाते हैं, दूसरे छोटे देश को वो मिल ही नहीं सकता था, और उस समय इन लोग के पास पेट्रोल नहीं था, ये भी गरीब थे सब। तो फिर एशिया में दिया किसको जाए, रूस तो यूरोप में आता है। रूस देखिए, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन फ्रांस और रूस ये तो यूरोप में आते हैं, लेकिन एक एशिया के देश को देना था। अब नेहरू को लगा कि चाइना हमारा साथ देगा, इन्होंने प्रीफर कर दिया चाइना को, चाइना ने उतने पैसे दे दिए। अब हम लोग के पास वीटो गया तो इसके पीछे केवल नेहरू जिम्मेदार नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था मेन जिम्मेदार थी, वरना किसी को कोई थोड़े ना कुत्ता काट ले। हम आपसे कहते हैं मर्सिडीज ले लीजिए, ना लीजिए मर्सिडीज, पैसा दे दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, ना ना हम मर्सिडीज ना लेंगे, आप मुकेश अंबानी को दे दीजिए। तो इसके लिए आप जिम्मेदार थोड़ी है, मतलब देखिए कहीं ना कहीं तो हम भी हैं, हमको उस वक्त कोई ना कोई नेगोशिएशन करके कुछ ना कुछ जुगाड़ तान लगा के मोलाई भाव करके ले लेना चाहिए। अब इतिहास में की गई गलतियों को आप सुधार नहीं सकते, लेकिन इतिहास में की गई गलतियों को अगर आप देखना है कि वो गलती क्यों थी, तो उस समय के परिदृश्य के हिसाब से सोचिए कि उस समय हमारी सेना के पास 1962 में लड़ने के लिए जूते नहीं थे। रीजन क्या है, पैसे ही नहीं थे हम लोग के पास, बहुत कम पैसा था, तो सूखा वगैरह था, तो गरीबी, अंग्रेज सब पूरी तरह से चूस के हम लोग को भेजे थे सब। 200 साल में तो अंग्रेज चूस लिए सब हम लोग को। तो क्या लगता है आपको कि देश की आज़ादी के वक्त में हम बहुत बड़े अंबानी अंडानी थोड़ी थे लोग उस वक्त? तो इसलिए चाइना को दिया गया। इसमें दो तीन चीज़ें जिम्मेदार थी हमारे बीटो के पास। सबसे पहला, हमारी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। दूसरा, नेहरू के पास दो गलती, एक दूरदर्शिता उतनी अच्छी नहीं थी, दूसरा चीन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किए थे, और सबसे बड़ा हरामीपन चीन का कि भाई साहब अब तुम हरामीपन पे उतर जाओगे तो फिर कौन जानता है, अगर तुम पूरी तरह से हरामीपन पे उतर जाओगे तो क्या कहेगा कोई तुमसे। तो नेहरू ने उस समय का जो विकल्प देखा उसके हिसाब से सही समझा। आप कहेंगे कि सर नेहरू ने जापान को क्यों नहीं दिया, भैया उस टाइम जापान ने बहुत खतरनाक कंडीशन पे था, जापान को कोई देने का, जापान को मिल ही नहीं सकता था। तो भारत के सामने बस यही ऑप्शन था कि एशिया में दिया किसको जाए, रूस के पास ऑलरेडी था, तो एशिया में उन्होंने कहा कि भारत तुम ले लो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, सऊदी अरब वगैरह के पास पैसे नहीं थे, सऊदी अरब को मिल जाता तो आज भी पाकिस्तान के फेवर में ज़्यादा रह जाता। तो इन्होंने सोचा कि चीन को दिला देते हैं और चीन से एक समझौता करा देंगे, पंचशील समझौता, कि हम लोग एक दूसरे के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मैटर पर तुम हमारा सपोर्ट करना, क्योंकि हमने तुमको चीन का वीटो दिलवाया है और हम एक दूसरे पर युद्ध नहीं करेंगे। तो नेहरू की तो नीति सोच से तो सही थी, लेकिन सच रहा दूरदर्शिता कम था, जरूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेना ये भी कर लेना दिक्कत हो गया, इस वजह से तो ये गलती रह गई हम लोगों से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जापान को दे देते, जापान पे परमाणु बम मारा गया था, वही ससुरा द्वितीय विश्व युद्ध मार रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में वीटो केवल जीतने वालों को मिला था, तो बहुत खरमंडल मचाया था, अमेरिका उसको देने ही नहीं देता, क्योंकि वीटो देने के लिए भी जो ऑलरेडी वीटो वाले उनको सहमत होना चाहिए था। तो उस समय नेहरू के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो अपना वीटो दूसरे को हैंड ओवर करे, नहीं तो उतना खर्च उठाए। हम लोग आज भी उतना खर्च नहीं उठा पाते, और इनफैक्ट अगर आज भी भारत को कह दिया जाए कि आप यूएनओ के टोटल खर्च का 7% उठा लीजिए या फिर अपना जो खर्च उठाते हैं उसका डबल ट्रिपल उठा लीजिए, तो आज भी हमें सोचना पड़ेगा, नहीं उठा पाएंगे लोग आज भी। लेकिन हाँ, आज ये है कि आज हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, कुछ टैक्स वगैरह बढ़ा के कुछ कुछ करके हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं कर सकते थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत था। सोचिए ना, पॉलिटी के क्लास में कहा है कि शिक्षा का अधिकार था, मुफ्त में मिलना चाहिए था, लेकिन उस समय नीति नहीं दे सकता तो मैं डाल दिया गया, क्योंकि पैसे ही नहीं थे, कहाँ पैसे हुआ करते थे उस टाइम। समझ में आ गया? जापान को एक लड़का कह रहा है क्यों नहीं दे दिए।
वियतनाम को दे देना चाहिए, हद है यार, वियतनाम को देना चाहिए, पागल हो क्या, भारत के पास पैसे नहीं जुट रहा है, वियतनाम के पास पैसा, हाथी डूब गई तो एगो लड़का कह रहा है ओ माय गॉड हाथी डूब गई, गधा हिलाओ गधा पार कर जाएगा, अरे बखलवा, देख रहा है कि जब भारत जैसा विशाल देश के पास पैसे नहीं जुट पाया तो कह रहा है वियतनाम, आप पागल हैं, आप 2021 में सोच रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं 1950 की बात, हद है यार, आप 2021 में खड़ा होकर 1950 की बात सोचिएगा, नहीं ना, आप उस वक्त के हिसाब से सोचिए, वियतनाम, वियतनाम पे तो अमेरिका बम मारा था, 27 करोड़ बम गिरा दिया था, याद है कि नहीं, वियतनाम तो अपने परेशान था, वियतनाम को तो खुद बांट दिया था, 17 डिग्री उत्तरी के उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम तो अपने मर रहा था, उसको बीटो देंगे आप, नहीं दे सकते अभी कोई कहेगा कि मालदीव को क्यों नहीं दे दिया, श्रीलंका को क्यों नहीं दिया, अरे भाई साहब भारत जैसा देश जब टेंशन में आ गया तो एशिया, देखिए रूस हटा दीजिए, रूस एशिया में नहीं आता है, एशिया में डिसीजन जब भी लिया जाएगा तो वो रूस भारत लेगा या फिर चाइना लेगा, एशिया में इन्हीं का राज हो सकता है, तो या तो वीटो हमें मिलता या तो वीटो चाइना को मिलता, चाइना पावरफुल था ले ले गया, हम लोग की बस अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ हुई रहती ना आज हमारे पास भी वीटो रहता, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम वादा करते हैं आपको कि आने वाले 10 से 12 साल में हमें वीटो मिलेगा, हम लोग को वीटो मिलेगा, रीजन क्या है कि वीटो कैसे नहीं मिलेगा, रुकने दीजिए ना, हमको थोड़ा सा और आगे जाने दीजिए, और आगे जाने दीजिए, धीरे धीरे अभी पूरा इंडिया जाना है ना, जब पूरी दुनिया जान जाएगी ना हमको, धीरे धीरे हम यूएनओ में आग लगा देंगे, ऐसा स्थिति खड़ा कर देंगे ना कि तुमको या तो वीटो देना पड़ेगा नहीं तो यूएनओ बंद करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको ऑनलाइन नहीं बता सकते, दुनिया की हर चीज़ है जिसकी कमजोरी होती है, गीता में एक श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है ना उसी समय उस समस्या का समाधान जन्म ले लेता है, बस खोजने वाला चाहिए, तो अभी हम लोग की आवाज़ इंडिया तक पहुंच सकती है, तो इंडिया में आज भी कोई सुधार लाना है तो खरमंडल मचा सकते हैं हम लोग, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर नहीं कर सकते, लेकिन कसम भारत माँ की एक ना एक दिन तो हम आग लगा देंगे, यूएनओ में भी पहुंचेगा एक खलबली के आखिरी ससुराई मास्टर है कौन, हमें बीटो मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा ससुरा बीटो मिलेगा बाबू, टेंशन नहीं लो, अभी आप लोग का बहुत बड़ा समर्थन रहता है, आप लोग का इतना स्नेह प्रेम रहता है, धीरे धीरे हमें पूरे इंडिया जान गया ना, जब जिस दिन वर्ल्ड आएगा हम तो चचरा यूएनओ का एक एक कमजोरी खखोर खखोर के पूरी दुनिया को बता देंगे, तो यूएनओ हमसे यही कहेगा कि भाई तू मास्टर चुप हो जा, हम कहे एक के साथ पे चुप हो तो भारत को वीटो दे दूँ, नहीं तो तू अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस चाइना, तू लोग इराक में क्या क्या काम किया, अफगानिस्तान में क्या क्या किया, वियना संधि का कैसे उल्लंघन किया, या फिर वासेनार अरेंजमेंट का कैसे उल्लंघन किया, सब बता देगा आदमी, हंगामा करेंगे, उसके पास तीन ऑप्शन रहेगा, या तो यूएनओ बंद कर, या तो वीटो दे, या तो हमको उड़वा दे, चलो ध्यान से समझते हैं।